नमस्कार दोस्तों, फ्लरी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा सुंदर से अच्छे से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने अच्छा सुंदर सा वीडियो इसलिए बोला क्योंकि आज का जो वीडियो है वो कहीं से भी भूतिया नहीं होने वाला है। मतलब मम्मी, आज आप लोगों को माता दुर्गा की एक ऐसी मतलब सच्ची घटना बताने वाली है कि एक औरत को कैसे माता दुर्गा ने दर्शन दिया था और उसको बहुत बड़े शैतान से बचाया था। इसमें शैतान है लेकिन थोड़ा सा है। सब कुछ आप लोगों को जानना है तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहना और मम्मी की कहानी सुनो। हमारे गाँव में एक औरत थी, वो औरत के एक लड़का हुआ था, खत्म हो गया। उसके 15-16 साल उसको कोई लड़का बच्चा नहीं हुआ। अच्छा, मतलब उस औरत का बच्चा नहीं हो रहा था। हाँ, बच्चा नहीं हो रहा था। तो पहले के लोग भी पंडिताइन थी, पहले के लोग बाहर नहीं निकलते ना, घर से बाहर नहीं निकलती औरत। सब आज के डेट में भी नहीं निकलती है, कोई कोई निकलते है। हाँ, मतलब गांव में, गांव में हाँ, सब औरत पर्दा से रहती है, अंदर रहती, घूंघट में भी रहती थी, घूंघट में रहती थी। तो बहुत पहले की वो बात है, मेरे मम्मी से वो पहले के आई हुई थी, बहुत पहले। मतलब नानी से भी पहले आई हाँ, थी। मतलब हाँ, वो मेरे दादी दादी के साथ में के आई हुई थी, अलग जमाने का, बहुत पुराने जमाने का। तो औरत को बच्चा नहीं हो रहा था, तो क्या किया, कोई इसे देखा कि, तो कोई पंडित बोला कि माँ दुर्गा के पूजा करो। तो हमारे गाँव में आज के भी डेट में ये थे, हमारे घर से दूरी वो माँ दुर्गा का हाँ, मंदिर है। हाँ हाँ, सिवान पर बनवाते थे पहले के लोग। हाँ, तो हाँ। गांव लंबा, खेती दूरी दूरी तक है ना, तो वही एक सिवान पर कगरी जाकर माँ दुर्गा का बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ मंदिर बन, तो पहले जनसंख्या बहुत कम था ना। हाँ, पहले कम लोग हुआ हाँ, करते थे। अब तो बहुत है कि रात भर गाड़ी घोड़ा सब चलता था ना। पहले गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चलता था ना, बहुत पहले की बात है। हाँ, पुराने जमाने हाँ, आज से कम से कम 150-200 साल तक। अरे, पांच गांव, छह गांव में एक दो आदमी, किसी किसी घर में साइकिल रहता, साइकिल नहीं रहता, पहले के लोग पैदल चलते। मतलब 300-400 साल पहले की बात है। हाँ हाँ, तो पैदल वो लोग जा रहे थे ना। तो क्या कि उसको पंडित बताया कि इसको मन माँ दुर्गा का पूजा करो, हो सके माँ की कृपा से एक बच्चा हो जाएगा। वो औरत खूब सुबेरे 4 बजे भोर में उठ उठ के जा माँ दुर्गा के पूजा करते थे, मंदिर में जाती थी रोज। एक दिन वो औरत को नींद नहीं लगा, वो सोची 1 बज रहा था, वो सोची कि 4 बज गया, भोर हो गया। तो सुबह हो जाता, भोर हो जाता, तो लोग लाइटिंग वाइटिंग जाते, लोटा वोटा लेके घूमने जाते, तो कुछ आहट मिलता तो किसी को डर नहीं होता। हाँ, वो टाइम पे लोग हाँ, बाथरूम भी बाहर ही जाते थे। वो करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी था वो मंदिर, बीच में एक बहुत बड़ा जामुन होते, जो जामुन काला काला पड़ता है। हाँ, जामुन का पेड़। हाँ, वही पेड़ तर जब वो गई ना, तो उस पर बहुत भारी एक शैतान रहता था, भूत। अच्छा। वो उतर के आगे खड़ा हो गया उसको झपटने के लिए, देखा कि आ रही है, तो आके कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। अब वो लोटा के जल लिए हुए, घर से लोटा के जल लेके जाती थी पूजा करने के लिए, डाली में फूल उल सब लिए माँ दुर्गा के, सब ये थी। अब वहीं लग रही, खड़ा होकर लगी मनाने, माँ दुर्गा बचा लो, माँ दुर्गा बचा लो, माँ दुर्गा। वहीं जब एथी होने लगी, डर गई थी। हाँ, डर गई। तो माँ दुर्गा के कृपा से वो अपने से ऑटोमेटिक वो भूत वहां से गायब हो गया। मतलब माँ दुर्गा का नाम लेने लगी, जपने लगे जोर जोर से और बोलने लगी, माँ मुझे आज बचा लो ना, मैं मर जाऊंगी। तो भूत वहां से अपने आप गायब भी हो गया, सोचो। हाँ, अपने आप गायब हो गया। उसके बाद वो फिर गई मंदिर में, तारी 1 बज रहा था, मंदिर में गई तो माँ सोई थी। और ऊपर उन लोग का भी रहती है ना, ऊपर के ये जो जाटा उटा वाली वो सब होती है ना, वो पहरे देने वाली, पहरे में वो रहती है, वो लोग नहीं सोती है ना। तो गई तो झपटी झपटी निकली, बड़े बड़े दांत, वो इतना बड़ा बड़ा आंख, इतना बड़ा बड़ा करके एक बार झपटी। मतलब माता दुर्गा की रखवाली में जो थी वहां हाँ, पे हाँ, हाँ। वो इस औरत के ऊपर झपट गई थी, झपटी ना। तो चिल्लाई एक बार बहुत तेज, तो एक बैग फिर वो वहाँ का, दो वो खुद बता रही थी, हम लोग छोटे छोटे न करीब 15-16 साल शादी के पहले, तो वो एकदम बुढ़ी हो गए थे। तो काकी काकी हम लोग बोलते हैं कि कुछ खिस्सा कहानी बोलो ना, तो वो ऐसे कहते हैं ना, पूजा वूजा करने हम लोग जाते हैं तो बोले कि हम माँ दुर्गा से मिले हैं। हाँ। तो हम बोले कि काकी थोड़ा बताओ ना, तो हम लोग 2-3 आदमी थे, तो वो सारा अपना
वो शुरू से वो बताना चालू कर दी। तो वही बताई कि वो झपटे तो हट गई, हट गई, उसके बाद से वो जाके माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हो गई। मतलब माँ दुर्गा प्रकट हो गई अपने भक्त को बचाने के लिए। वो प्रतिदिन पूजा करती ना, तो पहले के जमाने की औरत लोग सती होती ना, वो जाके उनके पैर पकड़ ली। पहले के जमाने में लोग पूजा पाठ करते थे, भगवान दर्शन आराम से देते थे। पहले झूठ साथ नहीं बोलते, इधर उधर बात नहीं करते। पहले के लोग बहुत अच्छे आदमी थे, इंसान थे। तो क्या माँ के दुर्गा के जाके पैर पर पड़ गए। माँ दुर्गा उठाई, बोली कि तू रात नहीं पहचानी? बोली कि नहीं माँ, हमको लगा कि सुबह हो गया है। घड़ी नहीं होता था ना, हाँ, पहले घड़ी नहीं होता था, ज्यादा सुबह हो जाता घर के लोग जाने नहीं देते। अब माँ तो बच्चे के लिए कहाँ कहाँ ढूंढती कि कैसे हमारा एक बच्चा औलाद हो जाए। इसीलिए वो ज्यादा ये थी, वो जाके पैर पकड़ ली। तो माँ दुर्गा ये थी, बोली कि ठीक है बैठो, सुबह हो जाना तो जाना। हाँ। वही मंदिर में बैठी, बोली थी कि थोड़ा मेरा ये माथा देखो ना। अच्छा, माँ दुर्गा ने बोली कि मेरे बाल में कुछ ऐसा। हाँ। देखो मेरे बाल। हाँ। में ऐसा बोली। हाँ, तो सब एकदम बता रही थी, केस एकदम पीला पीला। हाँ। एकदम लगता था कि सोना के तार जैसे, मतलब उनके माता दुर्गा का केस भी मतलब हाँ, सोने का तार जैसे, सोना के तार जैसे। हाँ। वो जब ऐसे एक बार ऐसे पटती ना, तो उसमें सब आंख दिखता, मतलब पूरे आंख 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 जैसे कौड़ी होता है ना वैसे। हाँ, उसमें आंख चमकता था। अच्छा, सारा माथा में। वो बोल रहे थे कि सब माथा देखे, तो पूछी माँ कि कुछ मिला है? तो बोली नहीं है, तो कुछ दिखता है या तो ना? कुछ नहीं दिखता है। बोली कि डर से नहीं बोली कि इसमें आंख दिख रहा है, कि आंख दिख रहा है। तो माँ ये थी कर दी। तब उसको माँ बोली आशीर्वाद दी, बोली कि जाओ तुम्हारा ये थी होगा, लड़का होगा। हाँ, जाओ तुम्हारा लड़का होगा। तो वही हुए ना। हाँ, हो गया, एक लड़का हुआ ना। हाँ, एक लड़का हुआ, मतलब माता दुर्गा के आशीर्वाद से हो ही गया बच्चा। हाँ, एक लड़का हुआ। उसके बाद उसके पति खत्म हो गए, उसके पति भी खत्म हो गए। लेकिन माँ दुर्गा की कृपा से एक लड़का हो गया। वो लड़का अच्छा था, उसको भी बाल बच्चे हो गए, उसके नाती पोता सब। मतलब अभी उनकी पीढ़ी आराम से चल रही है। हाँ, उसको बाल, हाँ, घर बस गया माँ दुर्गा से। वही बता रही थी ना, हमको बहुत शौक था, हम मंदिर जब जाती ना, हमको शौक लगता कब माँ देखेंगे, कब माँ देखेंगे। हाँ, मतलब बचपन ऐसा लगता है। हम सोची कि हम भी रात में जाएंगे तो माँ के मिलेंगे, डर के मारे कौन रात में जाएगा। हाँ, उस भूत के खिस्सा वही बताई कि माँ दुर्गा शक्ति के आगे भूत सब फेल रहता है, कुछ नहीं है वो लोग के आगे इन लोग का। अगर आपको कभी भी डर लगता है, आप माता दुर्गा का नाम लो, हनुमान जी का नाम लो, भगवान का नाम लोगे तो भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी ना। तो हनुमान चालीसा तुरंत पढ़ो ना, हनुमान चालीसा में इतना ताकत है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो कोई भूत वहाँ पे टिकेगा ही नहीं, नहीं है, तुरंत हो जाता है, तुरंत हट जाता है। मतलब सोचो पहले के जमाने में, पहले के जमाने माँ दुर्गा से भी उनको दर्शन हो गई। हाँ, नहीं तो आजकल तो भगवान के दर्शन क्या करना, भगवान की छोटी सी चीज के दर्शन नहीं होते। नहीं, क्योंकि दुनिया में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सब कोई इंसान किसी का नहीं है आज के डेट में। वो समय वो माँ का, हम लोग पहले के काकी की थी रहती, तो सब हम लोग जाते खीसा और सब पूछते उनके खानदान वाले मम्मी को, बताते थे कि हमारे घर पे ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ था, सब कुछ हुआ ना। सोचो, ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मम्मी के पास ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं भगवान से रिलेटेड, भूत से रिलेटेड। तो ऐसा कुछ भी रहता है तो मैं मम्मी को बोलूंगी, आप लोगों को सुनाया करेगी, आप लोग मम्मी को ऐसे ही प्यार देते रहो। और इस वीडियो को देख लिया अभी तक तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो डाले सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।